दिस वीडियो इज को प्रेजेंटेड बाय त्रिपुर यात्रा। त्रिपुर यात्रा सेवा समिति के साथ करें रामेश्वर धाम की यात्रा। सुरक्षित और किफायती पैकेज में बिना किसी चिंता के भोजन से लेकर होटल तक सर्व सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा को बनाए आनंदमयी और यादगार। पैकेज बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हुआ वेबिनार का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। शहडोल में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता के लिए और आगामी दिवाली के पर्व पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने किया। इस वेबिनार में कई विशेषज्ञों ने अपने अपने मत रखे, तो आज हम इसी वेबिनार की चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि इस वेबिनार में सभी विशेषज्ञों द्वारा क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जी, तो ये देखिए, ये जो मौसम अभी चल रहा है, यहाँ पर बरसात खत्म हो रही है और सर्दियां शुरू हो रही हैं। ऐसे मौसम में जहाँ पर अब सर्दियों के शुरू होने पर कोहरे की समस्या भी बढ़ती है, ओस भी बढ़ती है, और जब ये फसल कटाई होती है धान की और खरीफ की फसलें, तो पराली भी जलाई जाती है। जैसे खासकर हमारे मध्य प्रदेश में तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, तो ये जो समय है वो प्रदूषण के लिहाज से जो है बहुत ही सेंसिटिव समझा जाता है। इस मौसम में बहुत ज्यादा प्रदूषण आंका जाता है। और अब चूंकि दिवाली का त्योहार भी आ रहा है, तो दिवाली में भी लोग पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी काफी प्रदूषण होता है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए ये प्रदूषण का विषय चुना गया और इस पे एक वेबिनार का आयोजन हुआ, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में ये संपन्न हुआ। और इसकी जो अध्यक्षता, या कहने जो जिसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, संजीव मेहरा जी, उन्होंने ये कार्यक्रम पूरा संपन्न कराया। इसमें मुख्य तौर से जो शंभुनाथ विश्वविद्यालय है शहडोल का, उसके प्रोफेसर और लेक्चरर बुलाए गए थे। इसके अलावा कुछ जो निजी कंपनियां हैं, ये उनके सदस्य यहाँ पर शामिल थे और इन्होंने सबने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। तो ये जो सेमिनार हुआ है, इसमें मुख्य रूप से प्रदूषण पर चर्चा की गई है। और उस प्रदूषण में भी जो आगामी दिवाली का पर्व है, उसमें जब लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखों के माध्यम से जो होने वाला प्रदूषण है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि पटाखों से केवल वायु प्रदूषण नहीं होता है, बल्कि लाइट पोल्यूशन भी होता है और ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि आवाज भी बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा जब ये पटाखे फोड़े जाते हैं, तो रोशनी भी बहुत ज्यादा निकलती है, तो हर तरह का प्रदूषण होता है। और इससे न केवल इंसानों को खतरा है, क्योंकि वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में दिक्कत तो होती ही है, फेफड़ों को नुकसान होता है, अल्जाइमर और ये आपकी कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की, दमा की बीमारियां होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान है। पशु पक्षियों को खासतौर से नुकसान होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब साउंड के साथ पटाखे फूटते हैं, तो कई कई बार देखने में आता है कि पक्षी जो है वो इतना ज्यादा साउंड सहन नहीं कर पाते हैं और वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, या जो लाइट निकलती है एकदम से पटाखों से, उससे भी पशु पक्षी कभी कभी अंधे भी हो जाते हैं और मारे जाते हैं। तो ये प्रदूषण सभी के लिए खतरनाक है, और इसमें जो भी रोकथाम के उपाय हैं वो हमें अपनाने चाहिए। पटाखों में निश्चित तौर पर आजकल इको फ्रेंडली पटाखे आ रहे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ें, ताकि ये जो प्रदूषण की समस्या है उससे निपटा जा सके। और भी जो तरह तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो वाहनों के जरिए हो या उद्योगों के जरिए हो, उसमें भी जरूरत है कि जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी तरफ जाया जाए और प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। तो अमन, क्या इन विशेषज्ञों द्वारा कोई और भी विषय पर जानकारी दी गई है क्या इस वेबिनार में? देखिए, जो मुख्य इस पूरे वेबिनार का जो विषय था वो प्रदूषण ही था, लेकिन इसके अलावा भी जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, प्रदूषण से होने वाला खतरा है या प्रदूषण किस तरीके से नुकसानदेह है, उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, पर्यावरण किस तरह नुकसान है, या इसके क्या विकल्प हो सकते हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। और बड़े विद्वान लोग इस पूरे वेबिनार में शामिल हुए, जैसे कि
शंभुनाथ विश्वविद्यालय के जो रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं एसके भटनागर जी, इसके अलावा प्रोफेसर लाल सिंह जी और प्रोफेसर स्मिता वर्मा हैं, रिलायंस कंपनी के जो एक सदस्य हैं, और ये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं, ये सभी लोग उसमें शामिल थे और इन्होंने अपने अपने वक्तव्य जो हैं मत रखे हैं प्रदूषण को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया अमन हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटाखों से होने वाले प्रदूषण से खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि दिवाली का ये त्यौहार अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ता है, जिस दौरान उत्तर भारत में ठंड होती है और ठंड में कोहरे के साथ यहाँ धुआं मिलकर और भी खतरनाक हो जाता है। उम्मीद है इस वेबिनार के जरिए दर्शकों को पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की प्रेरणा मिलेगी और प्रदूषण कम किया जा सकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।